धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के कस्बा बाबेन में चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। बाबेन से पूर्व में सरपंच रहे बिशपजीत पिद्दल ने संस्थानीय विधायक डॉक्टर पवन सैनी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा विधायक ने एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको उनके पद से निलंबित करवा दिया। उन्होंने डॉक्टर पवन सैनी पर पैसा तक लेने के आरोप लगा दिए हैं। बिशपजीत पिद्दल चोर जो सरपंच है था बाबेन का और निलंबित हो गया है। विधायक के विरुद्ध जैसे उसने पुतला फूंका है वो गलत है। विधायक पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जो कुछ कराया हमने कराया, हम शिकायत करता है। हमने सीएम विंडो पर एप्लीकेशन देकर उसकी इंक्वायरी कराई, उस इंक्वायरी में वो दोषी पाया गया और विधायक ने तो उसको एक बार सस्पेंड कर हो गया था, उसको बहाल कराया था। उसके बाद हमने दोबारा उसको सस्पेंड कराया, इंक्वायरी पेंडिंग बहाल था वो, तो उसको हमने दोबारा सस्पेंड करा के फिर दोषी पाया गया। उसमें क्या नाम लेकरा जो ये था अपना जो उसकी इंक्वायरी एडीसी साहब ने उसकी रेगुलर इंक्वायरी करी, उस रेगुलर इंक्वायरी में भी वो दोषी पाया गया, उस बेस पे इसको निलंबित किया गया। और जो ये विधायक पे भ्रष्टाचार के उसके आरोप लगा, भ्रष्टाचारी तो ये खुद है। अगर इतना ईमानदार बनता है अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए, ये ईमानदार के घोसले कर रहा है। 5 महीने से आज तक इसने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया और जिसमें जिस दिन वो रिकॉर्ड मिल जाएगा प्रशासन के थ्रू हमें, उसमें करोड़ों रुपए के कपड़े मिलेंगे। इसने कोई गली नाली नहीं बनाई जो ऐसी चढ़ाई है जैसे कि शमशान घाट का रास्ता है और चीजें हैं बहुत सी। और इस मामले में रोष प्रकट करते हुए पूर्व सरपंच और उनके समर्थकों ने डॉक्टर पवन सैनी का पुतला जलाकर उनका विरोध किया। और दूसरी तरफ जिन लोगों पर पूर्व सरपंच ने विधायक के साथ मिला होने के आरोप लगाए थे, उन लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि इस मामले में लाडवा से विधायक पवन सैनी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह सरपंच अपने द्वारा किए गए काले कारनामों की वजह से सस्पेंड हुए हैं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।